क्योंकि ये वो वाहिद त्यारा है जो दुनिया के खतरनाक और जदीद तरीन लड़ाका त्यारों में शुमार किया जाता है। JF17 एक कम वजन यानी अनलाइट वेट सिंगल इंजन और मल्टी रूल कम्बाट एयरक्राफ्ट है जिसमें PACJ F-17 थंडर या फिर CAC F-7 जालोंग भी कहा जाता है क्योंकि ये जदीद जंगी त्यारा पाकिस्तान के मशहूर एरो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स और चीन कारपोरेशन ने मिलकर बनाया है। ये जदीद त्यारा सिर्फ जंगी मकासद के लिए ही नहीं बल्कि ये फिजाई निगरानी फिजा से फिजा में मार करने और फिजा से जमीन पर मार करने के अलावा मुख्तलिफ मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए इसे मल्टी रोल कम्बाट कहा जाता है। JF-17 का मतलब ज्वाइंट फाइटर त्यारा है जबकि F-7 का मतलब फाइटर चाइना 1 है। JF-17 थंडर त्यारा अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के जंगी हथियार न्यूक्लियर मिसाइल और ऑटोमेटिक कैनन ले जाने की सलाहियत से भी माला माल है। याद रहे जब से JF-17 थंडर त्यारा बनाया गया है तब से ये लड़ाका त्यारा पाकिस्तान की फिजाइया फौज के रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आया है क्योंकि ऐसा मैं नहीं बल्कि पाक फिजाइया की जानिब से कहा गया है। मौजूद ख्वातीनों हजरात JF-17 थंडर त्यारे की पहली प्रोटोटाइप 2007 में चाइना में मुतारिफ करवाई गई और एक साल बाद 2008 में पाकिस्तान में मुतारिफ हुई। इसके बाद इसकी तैयारी में जिद्दत आती गई। 2010 में JF-17 के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक मुकम्मल स्क्वाड्रन मुतारिफ करवाया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2015 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से 16 जदीद और खतरनाक तरीन JF-17 थंडर त्यारे बना डाले जिसके बनते ही पाकिस्तान के दुश्मनों पर सकता तारी हो गया। दुश्मन के लिए इससे भी बड़ी बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान को यह यकीन हो चुका है कि हम एक साल में 25 लड़ाका त्यारे बना सकते हैं जिसमें पाकिस्तान की जानिब से 58% और चीन की जानिब से 42% साजो सामान इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि अब तक इस त्यारे के 3 ब्लॉक सामने आए हैं जिसमें JF-17 ब्लॉक 1, JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्लॉक 3 शामिल है। पाकिस्तान के एरो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से 70 जेट त्यारे पाक फिजाइया के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं जो JF-17-1 की कैटेगरी में शामिल हैं। एक JF-17 ब्लॉक 1 को बनाने में लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आती है। इसके फौरन बाद एरो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स और चीन की जानिब से 33 ऐसे फाइटर जेट त्यारे पाक फिजाइया के लिए बनाए गए जो JF-17 ब्लॉक 2 की कैटेगरी में आते हैं जो ब्लॉक 1 से ज्यादा जदीद और ज्यादा न्यूक्लियर पावर हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ब्लॉक 2 एक JF-17 त्यारे को बनाने में कुल 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत का इस्तेमाल होता है लेकिन अब पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाने के लिए जा रहा है जिसका डिजाइन मुकम्मल हो चुका है और इसे बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। ब्लॉक 3 थंडर त्यारा दुश्मन के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब साबित होगा। इसे बनाने के लिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 32 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत आ सकती है। ब्लॉक 3 त्यारे के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये त्यारा 4 प्लस जनरेशन का हामिल है जो जनरेशन 5 के त्यारों के मुकाबले के लिए बनाया गया है। ये जदीद तेज और खतरनाक तरीन त्यारा मुसलसल 19,000 घंटे तक फिजा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये हवा से हवा में ही रीफिलिंग भी कर सकता है। ब्लॉक 3 के जेट त्यारे में मजीद तब्दीलियां करते हुए इसमें एडवांस हेलमेट डिस्प्ले एंड साइज सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे किसी गेम में हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर मुकम्मल नक्शा नजर आ रहा होता है जिसमें दुश्मन के लड़ाका त्यारे भी आसानी से देखे जा सकते हैं जिन्हें मार गिराना पायलट के लिए इंतहाई आसान हो जाता है। IGF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे में AESA रडार सिस्टम भी लगाया जा रहा है जिसे एक्टिव इलेक्ट्रिकली स्कैन के नाम से जाना और पहचाना जाता है और इस रडार सिस्टम को IRST सिस्टम से भी लिंक कर दिया जाएगा जिसकी मदद से किसी भी सिमत से आने वाले दुश्मन जंगी करके मार गिराने के अलावा दुश्मन के रडार सिस्टम को बहुत ही खूबसूरती के साथ धोखा देते हुए अपने अहदाफ को पूरा करता है। इस खतरनाक तरीन जदीद तरीन और तेज तरीन त्यारे की स्पीड आवाज की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। पाक फिजाइया का ये जदीद और शाहकार त्यारा एक वक्त में 15 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और बैक वक्त 4 टारगेट्स को नेस्तो नाबूद करने की अहलियत भी रखता है। JF-17 ब्लॉक 3 त्यारे के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये त्यारा जल्द ही पाक फिजाइया के हवाले कर दिया जाएगा। मजीद ये कि पाकिस्तान इस हैरत अंगेज त्यारे में 2 सीटर कॉकपिट लगाने जा रहा है जिसका नमूना पाकिस्तानी शो में दिखाया गया जिसे तमाम ममालिक की जानिब से खूब पजीराई भी मिली। इसे JF-17B का नाम दिया जाएगा और ये भी ब्लॉक 3 यानी 4 प्लस जनरेशन का हामिल त्यारा होगा। इस त्यारे की जिद्दत टेक्नोलॉजी और शोहरत को देखते हुए बहुत से ममालिक पाकिस्तान से ये त्यारा खरीदने के ख्वाहिशमंद भी हैं,
जिसमें मलाइशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और दूसरे बहुत से ममालिक शामिल हैं। और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब हम इसका तोड़ कैसे करेंगे। इस जदीद त्यारे ने इंडिया की सट्टी भी गुम करके रख दी है। आजकल जिन हालात की कशीदगी से पाकिस्तान और इंडिया गुजर रहे हैं, इन हालात में इंडिया बार बार धमकियां तो पाकिस्तान को देता आ रहा है कि हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इंडिया की बहुत बड़ी गलती होगी कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। फरीकैन, इंडिया भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पाकिस्तान के पास इंडिया से बेहतरीन हथियार मौजूद है जो इंडिया को सफाई हस्ती से नेस्तो नाबूद करने की अहलियत रखते हैं, जिनमें से एक JF17 थंडर त्यारा भी है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का जदीद आला टेक्नोलॉजी से लैस शाहकार JF17 थंडर त्यारा। आप लोगों की इस त्यारे के बारे में क्या राय है और आप पाक फिजाइया से कितनी मोहब्बत करते हैं, इस बारे में आप लोग कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को खूब एंजॉय भी किया होगा और यकीनन इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी हमारी इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ हो सके। तो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।